कनीता है बाल्य में फौजी ये छुट्टी आ रहा दस दिन की हो तम मांग मांग कने पेट भरो थारा ठीक गुजारा हो से। आदेश गुरु जी। आदेश होता आ गया बाबा है तो गया इसी तीसी कराए सांग आप लोग बस का बनियो मांगना मांगना। Oh no! फिर घर आमिर जी भाई कौन बुलाया लिया था? बाबा घर आमिर कौन जा सकते हैं बस? यो क्या? के थी भी के वो ये काल लाखों झटका रहे थे वह। साथी के कुछ बोला ना आज जानी को निकाल ली। हाँ झटका रहे थे ये मैं तो। भाई मैं इनके पेड़ पर ना शान की बात सुनी सारी दुनिया बापे बन जी जो काम से लाऊ दो। चलो कोई नहीं गुरु जी मैं तो शराब दे आया कालो करना। Oh no! दत्रनाथ हाँ गुरु जी बात नहीं है भाई शराब स्वरूप देना अपना काम को नहीं रोटी मैंग खा पेट भर या अपना खेत बढ़ियाई है मैं तो कह आया उस भाई तो पागलों का कुरड़िया में घूम भी जाएगा। अच्छा रहा बाकी इतना गलत करे बस गुरु जी इसी ऐसे मुंडे चटकारे दे हैं मैं तो शराब देना पड़ गया। चलो कोई बात नहीं गला लग गई है तो अपना कोई नहीं गुरु जी। दत्रनाथ हाँ गुरु जी दूध भी थोड़े लिया है कौन दे तो कौन किसम है चलो चला लिया काम मोल ले आवांगे और बाकी एक बनार से गवा है आतो राम प्रसाद अकड़ा बाबा तेरी के चीरी डूबा है ठीक है ओ खार मोज मार आदेश बाबा जी आदेश आदेश भगत हाँ बता की समस्या है की समस्या बाबा एक तो भी आनी होंदा बाबा भी ढोडे खरीदते करू है लॉकडाउन में सारे गोसे घर पड़े है मैं तो उन्नो पापड़ूंगा दे रहे सोले पलंग बताओ भगत बात सुन ले ब्याह तो तेरा होंदा कोनी चाहे गुडरी हो ले ठीक है रे काम कर बाबा कंटा की सुतरी सी ता पिया दे के बात तुम्हारा बटेवा रिया रा ला भी बापा जे नहीं है प्यांदा एक सूत्री सी तिलम भर लियाऊं आहो भर लिया आदेश बाबा जी आदेश वो दारा लियो क्यों कर दारू दूर भी रहेगी ना ना बाबा दारू कड़ा मेरे तो रे समस्या समस्या बैठा बैठो भाई बैठो। अच्छा भगत तो तू समस्या लेकर आया है? हाँ बाबा दिक्कत ना ले बच्चा बाबा बहुत सिद्ध बाबा पहुंचा या तेरी सारी समस्या ना दूर करा तुम बता दे गुरु जी का। अच्छा भगत समस्या बता तेरी ला बाबा पहली समस्या सुन ले सुना एक कुत्ती ले आया था। अच्छा वो एक बड़ी ब्याह का आगा बाबा ही नहीं दिंदी भगत ये तो गंभीर समस्या तेरी और बाबा देखो रे लोगो के जमाना यार लोग कुत्ती पाले घर में आ भाई भगत तने घर गाय क्यों नहीं बांधी बालक दूध पींदे। अच्छा भगत तने गाय बेच के कुत्ती पाली इसी के नौबत है किधर भाई बाबा एक शाना ना कहा था अक तेरा पास साढ़े सती है। अच्छा एक काली कुत्ती पाल ली ठीक फिर भगत वो टली बतरी कड़ा बाबा वो तो दूनी चढ़गी। Oh no! अच्छा फिर दूसरी समस्या और बता दे भाई तेरी गुरु जी का। ला भी बाबा दूसरी समस्या सुन लियो बोलो भगत इतनी तीन साल तो कांच दिखाई कांच दिखाई हाँ और वो कांच बंद हो जे ये भी वो बदना हट गया। Oh no! अच्छा हाँ बाबा करीब
दीप के करो बाबा याद। गुरु जी दसरा नाथ। हाँ जी ये तो गौर समस्या है अगर अपना फार्मूला नंबर एक ला दिया गुरु जी पा भगत बात नु है ये लंबे लंबे बदान के घैट घूट वैद करने सौदे तो जो दसरा नाथ करेगा मरा। अच्छा बाबा भगत आ जा भाई। बाबा हाँ भाई यू के करावा भगत तो जो कुछ करा यो ही करागा। देखे बाबा थोड़ा जानता बच्चा यो ही लिया था इसका और कोई लिया था नहीं। अच्छा तो आया था एक बार ला बेटे लेटिस का आज सीधे कर ले बच्चा न्यू। हाँ न्यू भगत थोड़ा परान ले भी मारती है तन्ने तो यू कौन उठता इसपा जमाई तेरी जेल हो जाई है। कोई नी चलो बाबा रेल मैं जेल में बाबा नो तो फिर तो इसकी कैंताली समस्या दोबारा नहीं खड़ी कर देगा। कोई दिक्कत नहीं बच्चा बैठ तो इतनी बताएगा छोड़ांगे। अच्छा हाँ यो फार्मूला भी लाओगे और कि मैं दवाई पानी भी देवांगे बैठ जा शांति दा इस बच्चा पराओ तो देखिए बाबा कदे मार दे बागे मार दिया मैं तो। कोई नहीं बता ले मन कोई नहीं तेरा कछा बद जाएगा इब रण दे बाबा जी। अब बाबा जी मर गया खड़े ले बच्चा न्यू कर बच्चा। हाँ बाबा इतनी तीन दिन और लिया मैं नहीं आंदा बाबा इब तक पाछा एक बार भी तेरे लोहा तो तड़का की कहते ना तो आज जो मैं मेरा रबड़ हल दिया। oh, no. खाना बदोस नो बोले करा बाबा था दिक्कत ना ले बच्चा तना तीन दिन में इतना बताए दूंगा अब तुम ऊंटनी पे बिना पैड़ी लाए चढ़ जाएगा। चल बच्चा और चलो समाधि पे चल बाबा। बैठ जो बच्चा भांग रगड़ के पिया कर आप बैठो महाराज पाली गुंडी छोटे ओ हो बोल बोल बम बम बोल बम बम। गुरुजी देव हरला पुड़िया। अच्छा पुड़िया ले हूँ। हाँ ला भाई पुड़िया ले ले भगत ला। ला बच्चा ये तो है कुत्ती की। अच्छा बाबा और ये इस बच्चा की। अच्छा बाबा और ध्यान दे दिए कदे तेरी कुत्ती बच जा और ये तेरा बाता दे जा। ओह नो बाबा फिर ये देनी क्या गल्ला देने ना तेल गल्ला देवा पानी गल्ला दे दी है। ठीक है बच्चा पानी गल्ला दे दियो और इसका जरा के जान। ठीक है बाबा। हेलो आदेश बाबा जी। आदेश बाबा चिलम भी खाली पड़ी है बाबा तेना चिलम मेरा बोथा पैटिया फिड़िया। oh, no. बोथा बिना तो चल जा काम तेरा खान पीने बिना गुन चलता पेट में गेड़ने का भी करा कि जुगाड़। ठीक है ले जा जानी मांग लिया कोई नहीं। Mm-hmm.
आदेश महाराज। आदेश भगत। जय हो बाबा की। जय हो भाई। अच्छा भगत बहुत दिन में दर्शन दिए। बस काम धंधा में चले रहे थे बाबा। अच्छा और फसल बारी ठीक है? हाँ ठीक ठाक। अच्छा इसमें के ले आया? लियाना ने बाबा खान का ले आया, दूध के घूंट ले आया होगा। दूध चढ़ाना आया था बाबा। दूध चढ़ाना आया। हाँ बहुत बढ़िया बात भाई। बाबा अंडा तरानाथ भी बड़ा है, तन्ना ले आवे जणो को थड़ी ले आया। खाना बताओ सारा दन्ना उल्टा बोल लेगा बाप जान इन्होंने कह करते कोनी बोलता बाबा गलती हो गई। आदेश गुरुजी। आदेश बच्चा। आ राडा तरानाथ। हां जी। ओ तो बहुत समा लिया है भाई। ओड़ा एक भगत का ब्याह था, उती कर दिया दान। अच्छा ले ती टेक ले फिर सामने खावांगे। और दतरानाथ। हाँ गुरु जी। आ तो दूध भी अबलो ले आया तू। बस उस भगत ने कह दिया जिसका ब्याह था। अच्छा ब्याह आने ले आया। हाँ ब्याह आने ले आया हूँ। चल ठीक है अब तू टेक सामने ताता कर लिया सवेरे मलाई तैर ली सी। हाँ तड़के मारने से पड़ लिया है बाबा इसगला। बाबा ये समय उठा के तेरे खोए जुए। इसमें क्या है गुरु जी? बच्चा इसमें है दूध। अच्छा युवक चढ़ाना आया दूध। ठीक फिर तो बाबा खोआ काटांगे भी संदना। ओहो खोआ खावांगे बाबा पक्का। तो साला मारा छोटा। और इसने के ना समय दोगे इतना दूध ना तेरा खतरा हो। ठीक है भगत ठीक है। बाबा फिर दीदारी में दे दूध ना। क्या दाड़े कौन सुंदा तना तेरा खतर पनीर के पकौड़े ले आई थी फिर मैं। डर जा बच्चा डर जा। गुरु जी। हाँ बच्चा। आज भी लोगों में आस्था रह रही है? हाँ भाई आस्था तो बहुत है आज भी लोगों में। जो मतलब पुराने रीति रिवाज वाले संस्कार वाले जीरे है आज भी वो लोग आदर मान कर रहे हैं नाथा का। फिर बहुत घाट है बाबा जी। बहुत कम रह रहे भगत ना। देख एक बात बताऊं तना। हाँ गुरु जी। कितने बढ़िया लोग हो करते पहला नाथ पंथ का कितना मतलब बोलबाला होया करता। लोग अवनिया करवाए कर दे घरा में कराए करते गुरु जी सुख शांति रहे कर दी जमा। अरे भाई आजकल क्यों हो गया ये टेंशन पूरी है नहीं जितने इन्हें नाथ पंथ का नाश कर दिया। विश्वास नहीं रहा ना कौन रहा सीध बाबे तो कड़िया कड़िया पावे टोए उन्हों का लोग विश्वास नहीं कर रहे भाई। लोग नया आस्था का मजाक बना दिया। वक्त तो बात नहीं है पुराने संस्कार होया करते और आजकल लोग पाखंड ने देख के जीण लग गए। पाखंड भाई विश्वास करने लग गए क्यों डोंगे इतने फिरया दुनिया में जो चाहते होने हम बोलन दे। और मैं तो यही कहूँगा भाई पुराने रीति रिवाज अपने कायम रखो। घर में एक गाय जरूर पालो। गऊ माता सब तरह का फायदा देवे दूध भी पियावा है बीमारियां का बचावा भाई। ठीक है मैं तो इतनी कहूँगा। बोल शंकर भगवान की जय हो। ये एक जनी था हे पल्लम फौजी ये छुट